हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। सबसे पहले तो भाई आप सभी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं राम मंदिर के लिए। एंड आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आज मैं अपनी स्कॉर्पियन में नहीं बैठा हूँ। ये देख लो भाई, ये है मैनुअल स्कॉर्पियो। एंड कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, इसका मुट्ठा दिखा दे मैनुअल का कैसा होता है कैसा नहीं। तो जी हाँ, इससे आपको एक चीज समझ आ गई होगी भाई, ये है ऑल न्यू अपडेटेड स्कॉर्पियो एन। अब अपडेटेड से ना मेरा मतलब ये है, वैसे तो आज के टाइम में अगर अपडेटेड वर्ड आ जाता है ना, और कार्स में स्पेसिफिकली, तो आप ना समझ जाया करो फीचर्स ना डिक्रीज ही होंगे, क्योंकि कंपनीज आजकल भाई यही कर रही है, प्राइस इंक्रीज करी जा रही है और फीचर्स डिक्रीज करी जा रही है। अभी तक ना किसी ने ना ये चीजें नोट नहीं करी होंगी, लास्ट ईयर ही ना, लास्ट मंथ में ये सब चीजें ना स्कॉर्पियन में आ गई थी, जो फीचर्स इन्होंने डिक्रीज करे हैं। वैसे हम पूरी कार अभी चेक करेंगे, देखते हैं जो मैंने नोट किए हैं वही डिक्रीज हुए हैं फीचर्स, या फिर और भी डिक्रीज हुए हैं। मैंने ना बहुत पहले नोट कर लिए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा था Z8 में ही है, बट भाई Z8L में भी इन्होंने करे हैं। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो दोनों में आप कंसिडर करना, Z8 एंड Z8L दोनों में ही हुए हैं। बाकी तो आपको पता ही भाई, आजकल सोशल मीडिया पे क्रेटा की कितनी ज्यादा हवा चल रही है भाई, क्रेटा क्रेटा हुई है। बंदे वही कह रहे हैं कि भाई 25 लाख का टॉप मॉडल ले रहे हैं क्रेटा का, इससे अच्छा तो हम स्कॉर्पियो एन ही ले लें। बट भाई स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल कहीं कहीं जगहों पे तो 30 लाख तक का पड़ रहा है, ये भी आप माइंड में जरूर रखो, क्योंकि महंगी तो भाई ये कार हो चुकी है। सोने में सुहागा ना महिंद्रा वाले यही कर रहे हैं भाई, फीचर्स डिक्रीज करी जा रहे हैं, प्राइस इंक्रीज करी जा रही है। सो यस, अब ना सीधा पॉइंट पे आते हैं कि स्कॉर्पियो एन में आपको क्या क्या ऑफर होता है क्या क्या नहीं। बट उससे पहले ना आप एक बार इसकी रोड प्रेजेंस देखो भाई, कहाँ क्रेटा। अब देखो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जो आजकल चल रहा है ना क्रेटा की बहुत हवा हो रखी है कि भाई प्राइस बहुत ज्यादा कर दिया, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ भाई। इसके जो लोअर वेरियंट्स है वो भी कहीं ना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो रहते ही है। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं, फ्रंट से बात करें ना, ये देख लो कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि ये है Z8। Z8L में आपको कैमरा भी मिल जाता है, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट ना Z8 ही रहता है। एंड इसी के साथ साथ हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ऑल LED सेटअप है, इधर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर आपको फॉग लाइट मिल जाती है, DRLs मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें भाई, वही 187 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगी। एंड अब ना हम क्विकली साइड में आ जाते हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट ही रखूंगा, जहां जहां मुझे लगा कि भाई इधर से भी फीचर्स रिमूव हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और जो सबसे मेन कंसर्न रहता है ना लोगों का कि भाई ये Z8 है फिर भी इसमें अलॉयस क्यों नहीं है, तो यार अगर आप मैनुअल ले रहे हैं Z8, जैसे मैंने आपको दिखाया ये है मैनुअल, तो आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। वेयर एस जैसे मेरी है ऑटोमेटिक, उसमें मेरे को अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और टायर साइज भी ना 18 इंचेस का हो जाता है, ये है 17 इंचेस, यानी कि 245/65 R17 है, इसमें आपको टायर साइज मिलता है। बाकी तो हाँ, इधर से ये देख लो, कुछ नोट किया, जो मेरी वाली है ना भाई उसमें आपको इधर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। मेरी वाली से मेरा मतलब है जो पहले वाली आती थी स्कॉर्पियो एन, Z8 एंड Z8L, बट महिंद्रा ने जो कॉस्ट कटिंग करी है भाई, इधर से रिक्वेस्ट सेंसर रिमूव कर दिया है। और अभी ना माइंड में जरूर सोचोगे भाई ये तो छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग है, बट वीडियो में ना एंड तक बने रहो, मैं आपको ना पूरा बताऊंगा छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग करके कंपनियां कितना मुनाफा करती हैं। क्योंकि देखो इधर से रिमूव तो कर दिया, प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ है, प्राइस तो इंक्रीज ही हुआ है, अभी प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे। बाकी इधर चलो रिक्वेस्ट सेंसर आते ही नहीं था, इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, ये देख लो जी डीजल है 4x4, केवल डीजल में अवेलेबल है, अराउंड 57 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड साइड से ना कहीं बिल्कुल ही LC वाली लुक आती है, ये तो चलो अभी कवर हो रखी है क्योंकि ब्लैक कलर है, स्क्रैचेस वगैरह ना आए। बाकी यस, एक और चीज ना आपको पता होगी कि भाई इसकी जो रियर लुक है कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट ज्यादातर ना बंदे एक चीज नहीं नोट करते कि इसमें ना इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, जो महिंद्रा ने अभी तो रिमूव नहीं करा है। बाकी भाई अगर ये अपडेट कर ही रहे थे तो टेल लाइट भी थोड़ी अपडेट कर देनी चाहिए थी, बट नहीं भाई ये चीजें अपडेट नहीं हुई हैं। सिक्वेंशियल इंडिकेटर अभी भी है, शुक्र है भाई कॉस्ट कटिंग में सिक्वेंशियल इंडिकेटर इन्होंने रिमूव नहीं करे हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको होता है कॉस्ट कटिंग में ये भी कहीं ना कहीं एक पार्ट तो रहता ही है। बाकी तो अब मैं आपको दिखाता हूं जो रिमूव हुआ है। अब आप अगेन कहेंगे, मतलब कि सोचेंगे कि यार छोटी चीजें हैं, ये देख लो इधर ना पहले जो आता था ना डोर हैंडल ऐसा आता था भाई सिल्वर वाला, ठीक है, ये कितना प्रीमियम लग रहा था। आई नो ये ज्यादातर लोगों को मैटर भी नहीं करेगा, ये ऐसी चीज है, बट स्टिल कॉस्ट कटिंग इज कॉस्ट कटिंग, अपडेट इज अपडेट, वो वाला हिसाब किताब है। देख लो भाई क्या क्या चिंदी चोरी जिसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब ना महिंद्रा ने कर रखा है। अब मैं देखो कोई डिफेम नहीं कर रहा हूँ भाई, आजकल वही रहता है, महिंद्रा के बारे में कुछ भी बोलता हूँ सीधा वो वीडियोस देखते हैं भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे भी स्कॉर्पियो एन है, इससे पहले मेरे पास थार भी थी, तो मुझे कोई आपसे हेट वगैरह नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरा काम है कि मैं भाई वीडियोस डालता हूँ, अब जैसा जो मुझे अच्छा लगता है मैं अच्छा चाहता हूँ, जो नहीं लगता और इसमें तो मुझे क्या ही है भाई, अब मैंने थोड़ी ना लेनी है, ये तो मैं पब्लिकली वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज भाई मत करा करो मेल्स वगैरह कि भाई वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो वो कर दो, बल्कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मीडिया इवेंट्स होते हैं वहां पे भी बुलाया करो भाई, महिंद्रा की रीच हमारी अच्छी है। बट एनीवे टेलगेट करते हैं बंद, क्विकली आप एक बार देख लो भाई इसकी रियर लुक ऐसी है। इधर आपको स्कॉर्पियन की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको कैमरा मिल जाता है, बट एक चीज नोट करी आपने, कुछ तो करा होगा नोट भाई, ये देख लो 1 2
जी हाँ, पहले के टाइम में जैसे जो मेरे पास है स्कॉर्पियन, उसमें आपको चार, जी हाँ, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते थे। अब भाई दो कर दिए यार। इतनी बड़ी एसयूवी है, इतनी बड़ी एसयूवी में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर, मतलब कि सीरियसली कितना गलत हिसाब किताब है भाई। पहले वालों की तो चलो मौज होगी, चार उनमें मिल रही है, बट इसमें यार केवल दो। ये सबसे फुद्दू कॉस्ट कटिंग भाई मुझे लगी। इसके अलावा तो ना, मतलब कि फिर भी बंदा सहन कर लेगी, चलो हुंडई भी नहीं देती उस साइड तो रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे इन्होंने रिमूव करे, हुंडई का ही कॉपी पेस्ट करे, बट स्टिल जो रिवर्स पार्किंग सेंसर वाला हिसाब किताब है, वेरी सैड यार महिंद्रा। बाकी रियर डोर ट्रिम वगैरह आपको ऐसा ही मिलता है। कैबिन लाइट देखें, हैलोजन तो नहीं कर दी, पता चली ये भी हैलोजन नहीं भाई, एलईडी ही है, जो कि बढ़िया बात है। इस वेरिएंट में 6 एयरबैग आते हैं, वही वाला हिसाब किताब इधर है। इधर देखें, नहीं भाई इधर भी एलईडी है, रियर एसी वेंट्स भी है, ठीक है जी। नीचे आपको सी टाइप सॉकेट भी मिल जाता है। एंड अब हम चलते हैं आगे, आगे से मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इधर आपको सब कुछ वैसा ही मिल रहा है, ठीक है। इधर भी वोटर होल्डर वगैरह है, ट्विटर भी है, ट्विटर अभी रिमूव नहीं करे हैं। एंड इधर से ना मैं हजार्ड लाइट बंद कर देता हूँ। ये देख लो भाई, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। कार एक बार मैं कर देता हूँ स्टार्ट। ऑटोमेटिक हेडलाइट भी है, पुश स्टार्ट बटन भी है, इधर आपको ऑटोमेटिक वाइपर भी मिल जाते हैं। ठीक है यार, जो मेन मेन चीजें हैं वो तो इन्होंने फिर भी रखी हुई हैं, बट स्टिल जो चीजें रिमूव करी हैं वो मैंने आपको दिखाई दिया। स्क्रीन वगैरह इसकी ऐसी है, ये क्या, अच्छा हेडलाइट मैंने ऑन कर रखी है ना, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ऐसी कुछ है इसकी स्क्रीन, बिल्कुल ही सेम है। इधर भी कहीं पे कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है। जो सबसे फुद्दू चीज लगती है ना मुझे भाई, वो तो क्या लगता है कि इतनी महंगी कार में देखो यार ऑटो डिमिंग दे दो, एक्सयूवी 700 में भी नहीं दे रहे, इसमें भी नहीं दे रहे। और इधर आपको नहीं, पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिल रहा। एंड ये आपको मिल जाता है मिरर और वैनिटी लाइट है। ये सब चीजें ठीक है, मतलब कि कॉस्ट कटिंग इन्होंने मेनली बाहर बाहर से करी है भाई, अंदर से तो कार का हिसाब किताब ठीक है। बट ठीक है भाई, कार को स्टार्ट करते हैं। इधर अंबाला में ना पैच देख लो कैसा है, ऑफ रोडिंग का 4x4 हमारी कार है, ऑफ रोडिंग भी हम इससे कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं भाई, क्योंकि हम अपनी कार से ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, दूसरों की कार से नहीं। फिलहाल इसे मोड़ लेते हैं। एंड वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, वैसे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने ओपिनियन देना, आपको क्या लगता है जो छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग है कंपनियों को कितना फायदा करती है, क्योंकि आप में से भी बहुत लोग भाई इसमें होंगे, आपको पता ही होगा कि भाई क्या सीन होता है कंपनीज का क्या नहीं। जो मेरी सोच है भाई, इनका ना करोड़ों का मुनाफा होता है। जैसे एक रिक्वेस्ट सेंसर ही रिमूव कर दिया मान लो, जैसे उधर वाला, उससे इतना प्रॉफिट होता है ना इनका, क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा गिरी जाती है छोटी मोटी चीजों से। अब पार्किंग सेंसर की बात करें, दो पार्किंग सेंसर रिमूव कर दिए। जो सबसे फुद्दू चेंज मुझे लगा ना, यही लगा कि भाई पार्किंग सेंसर पहले ही चार थे, अब दो इन्होंने और रिमूव कर दिए। फ्रंट तो चलो Z8L में आते हैं, Z8 में तो आते ही नहीं है, ठीक है। इसके सिवा जो डोर हैंडल वाले मुझे इतना मेजरली लगा नहीं, बट आने वाले टाइम में जो मुझे लग रहा है भाई, ये और भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना डिक्रीज करने के लिए। बट एनीवे, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यही पे एंड करता हूँ। जैसे मुझे फील हुआ, मैंने आपको बताया कि भाई कंपनीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कम से कम प्राइस तो ना बढ़ाओ। जो मेरी कार है ना Z8 डीजल ऑटोमेटिक 4x4, उसका ना ऑन रोड प्राइस पता है जब मैंने लिया था कितना था, और अब से भाई करीब करीब 1-1.5 लाख ना इंक्रीज हो चुका है। मायने रखता है भाई 1-1.5 लाख प्राइस इंक्रीज होना। एंड बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना भाई, स्कॉर्पियो N या फिर ऑल न्यू हुंडई क्रेटा। बट हाँ, कहीं ना भाई ये दोनों अलग ही सेगमेंट है, स्पेसिफिकली भाई 4x4 रियर व्हील ड्राइव कार, वेयर एज क्रेटा ज्यादा टैक्स हैवी हो जाती है। या मेरे अकॉर्डिंग तो अगर इन्होंने कोई ढंग का अपडेट करना था, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट दे देते, डिग्गी में दे रखा है 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर बहुत ज्यादा नीड बढ़ती है भाई। अगर महिंद्रा से कोई देख रहा है, एक स्कॉर्पियन ओनर आपको बोल रहा है कि प्लीज इधर 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड कर दो प्लीज। बट ठीक है, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।